बेयार दिल पर, बेयार दिल पर मित्रावत गो, हाँ यारो वलो मदन वारो वलो। कि हमें तो ऐसा लग रहा है एक घर छोड़ के हम दूसरे घर में आए हैं, कि मुझे कश्मीर आके जो इन वादियों में जो सुकून मिली है वो शायद ही कहीं और मिला है। हुस्न पहाड़ों का ओ जालिमा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम छाड़ों का फजा भी है जवा जवा, हवा भी है रवा रवा, सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सितास्ता। सिंगर इश्फाक कावा की फैन बेंगलुरु से कश्मीर आई और उनका कहना है कि कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है और साथ ही ये हर किसी के लिए सुरक्षित भी है। बेंगलुरु से आई अरुणा ने ये भी कहा कि हर किसी को कश्मीर आना चाहिए और साथ ही उन्होंने इश्फाक कावा का एक गाना भी गाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूँ सैयद आमिर। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको हर जो न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाते हैं और उसके साथ साथ जो है पॉलिटिक्स से लेकर सपोर्ट्स से लेकर या सिंगर्स से लेकर हर किसी से मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, और आज हमने चाहा आज उस औरत को आपके सामने लाए जिसने यकीनन जिसकी आवाज़ जो है उसमें अलग ही मिठास है और वो बेंगलोर से कश्मीर आई है और इस खूबसूरत वादी का नज़ारा करने के लिए आई है, इनसे आज आपको मिलाते हैं। कैसा लग रहा है कश्मीर आके? अरे बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी दिनों से हम यहाँ पे हैं और काफ़ी घूम लिया है हमने, काफ़ी जगह देखी है कश्मीर में, तो मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ासकर जो यहाँ के लोग हैं वो इतने अच्छे हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है एक घर छोड़ के हम दूसरे घर में आए हैं। अगर मैं बात करूँ कश्मीर वैली की तो आपने कहीं जगहें देखी होगी, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी? मुझे तो काफ़ी दो तीन जगह ऐसे बहुत अच्छे लगे, मुझे पसंद आए। एक तो पहलगाम का जो बेताब वैली जो द्रंग है वहाँ पे जो पानी में हम खेले तो द्रंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे तो सारे जगह बेहतरीन और बेहद खूबसूरत थी, जैसे गुलमार्ग को ले ले, काफ़ी खूबसूरत वादी है गुलमार्ग की, लेकिन मुझे जो पसंद आया वो दूधपत्री और द्रंग। ज़िंदगी में आपने बहुत सारे जो जगह है स्टेट्स गई होगी, या आपने कहा कि मैं यूएसए गई या बाकी कंट्रीज़ में आपने विज़िट किया, तो आपको सबसे जो खूबसूरत जगह जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे सुकून है वो आपको कौन सी लगी? मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं 30-35 के ऊपर कंट्रीज़ घूम चुकी हूँ और इंडिया में शायद ही ऐसा स्टेट होगा जहाँ मैं गई नहीं हूँ, लेकिन आप सुकून की बात करते हैं तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे कश्मीर आके जो इन वादियों में जो सुकून मिली है वो शायद ही कहीं और मिला है। आप इससे पहले कभी कश्मीर आए थे? मैं बचपन में आई थी, जब मैं 5 साल की थी, और 5 साल की उम्र में भी जो ट्रिप हमने किया था यहाँ पे उसकी भी छोटी छोटी यादें, धुंधली सी यादें हैं, लेकिन मैं वापस आना चाहती थी कश्मीर और देखना चाहती थी और वो सारी यादें जो थी वो ताज़ा करना चाहती थी फिर से, लेकिन इतने नए यादें मैं साथ लेकर जा रही हूँ इस बार कश्मीर से। जिस तरह से हम पहले इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि जब मैंने सोचा कि मैंने प्लान कश्मीर का बनाया तो मेरे घर वाले मुझे एलो नहीं कर रहे थे या रिलेटिव्स एलो नहीं कर रहे थे, आपके जो साथी है सौभाग्या तो उसको भी घर वाले या हस्बैंड एलो नहीं कर रहे थे कश्मीर आने के लिए, तो आपको लग रहा है लोगों को ऐसे ही में थ्रट है लेकिन वो नहीं है यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं? मैं पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि कौन से शहर में थ्रट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सही बोलते हैं, जब हम ट्रैवल करना चाहते थे तो पूछा घर वालों ने कि क्यों सेफ है क्या करके, लेकिन मैं एक बात सबको सारे सुनने और देखने वालों को बोलना चाहती हूँ कि देखिए इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के जो इतने अच्छे लोग हैं
और मैं बोलती हूँ जैसे कश्मीरी, मैंने जो दो तीन अल्फाज सीखे हैं वो माय लोल, और जो हमें इज्जत मिली है यहाँ पे लोगों से, तो मैं बस ऐसा, सबको आना चाहिए एक बार। जो हम न्यूज़ में देखते हैं ये वो है, लेकिन लोग इतने हेल्पफुल हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी दो दिन पहले, तो इतने लोग आए, इतने मदद के लिए इतने लोग आए बिल्कुल, कि मुझे तो लगा मैं बिल्कुल घर में भी होती तो ऐसे ही मदद मिलती। आपने अभी कश्मीरी अल्फाज भी बोला और कश्मीरी ड्रेस भी पहना, कश्मीरी ड्रेस पहन के कैसे फील कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे आने के बाद और दो तीन दिन रह उसके ही अंदर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी इनमें से एक हूँ। तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लोग यहाँ के, क्योंकि यू नो इतने खूबसूरत लोग हैं, अब मुझे पता है कि उनकी वो जैसे ड्रेस करते हैं और उनकी पोशाक है उससे उनकी खूबसूरती और बढ़ती है, तो मैंने भी सोचा मैं भी पहनती हूँ तो और शायद खूबसूरत लग सकूँ। तो इट मीन्स दैट आप कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, और इन जैसे जो आपको देख रहे हैं ना कश्मीरी या आउटसाइडर्स देखते हैं, उनके लिए एक कश्मीरी सॉन्ग है। अरे बिल्कुल, और मैं ये सॉन्ग के बारे में दो लाइन पहले बोल देती हूँ, क्योंकि आज हम इस जगह पे आ रहे थे तो हम शादीपुर से गुजर के आ रहे थे, और वहाँ पे शादीपुरा में हमारे एक बहुत पसंदीदा कलाकार है इशफाक कावा, और उनकी मैं बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं उनकी ही दो लाइनें मैं उनकी खिदमत में पेश करना चाहूँगी। ट्रिब्यूट समझ ले, उनके लिए हमारा प्यार समझ ले। उनके जितना तो हम अच्छे नहीं गाते, लेकिन एक कोशिश हमारी तरफ से। हो हो बेयार दिलबर, बेयार दिलबर मित्रावत गो, हाँ यारो वलो मदन वारो वलो, हाँ यारो वलो मदन वारो वलो, ताजन जख्म मन, ताजन जख्म मन जहर त्रावत गो, हाँ यारो वलो मदन वारो वलो, हाँ यारो वलो मदद वारो वलो। वाह क्या बात है, क्या मिठास है इसकी आवाज़ में, क्या खूबसूरती और अट्रैक्शन है इसकी आवाज़ में, यकीनन दिल छू लेगी आपकी आवाज़, इसमें अलग ही एक खूबसूरती है। हमारे नाज़रीन इस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं कि उनके लिए एक उर्दू सॉन्ग भी बनता है। हाँ। कश्मीर की इस फ़ज़ा को देख के, इस खूबसूरती को देख के। बिल्कुल, जो मेरी दो ऐसे पसंदीदा गाने हैं उनमें से मैं एक सुना देती हूँ जो इसको देख के मुझे प्रेरणा ऐसे मिली गाने का। हाँ एक तो ये, हुस्न पहाड़ों का ओ जालिमा, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारो महीने, यहाँ मौसम झाड़ों का। वाओ अमेजिंग, क्या वॉइस है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं और प्यार दे रहे हैं कश्मीरी सिंगर्स को, और उनको ये बता रहे हैं कि हम आपके फ़ैन हैं, यहाँ आके आपके गली कोचों से गुजरे हैं और आपको याद ना करे तो किसको करे। का कहना यही है कि मैं इशफाक कावा की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और उसका यहाँ पे कश्मीरी सॉन्ग भी गाकर हमें सुनाया। यकीनन बहुत मज़ा आया इनसे बातचीत करके, और भी मज़ीद जाने की कोशिश करेंगे इनसे। अब आप कश्मीर को और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए क्या स्पेशल मैसेज छोड़ना चाहोगे अपनी तरफ से? मैं स्पेशल मैसेज नहीं, लेकिन यहाँ पे आके मुझे जो लगा कि मैं जब यहाँ का फ़ोटोज़ और यू नो मैं डाल रही थी फ़ोन पे, तो काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त बैंगलोर से और दूसरे शहरों से ये पूछ रहे थे ये कौन सी जगह, ये कौन सी कंट्री है ना। तो मैं बोलना चाहती हूँ देखिए इतनी खूबसूरत है, जो देश के बाहर हम लोग जाते हैं सैर करने
मैं बोलती हूँ वो सब बाद के लिए रखे, पहले कश्मीर अपने देश की जो इतनी हसीन जन्नत और इतनी ख्वाबीद और बादस्तूर जगह है ये, कि पहले यहाँ आए और देखे इस खूबसूरती को। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, बिल्कुल अगर आप भारत में रहते हैं तो एक बार तो बिल्कुल आए, और मैं दावा करती हूँ कि आप बार बार आएंगे उसके बाद। और अगर जो हमें बाहर देशों से देख रहे हैं, मैं बोलती हूँ ये इंडिया आने का एक रीज़न होना चाहिए कि हम कश्मीर देखें एक बार ज़िंदगी में। क्या आप चाहती है कि आपने ये कश्मीरी ड्रेस पहना है? यहाँ पे आप कुछ ऐसा साथ लेके जाएंगे कश्मीरी जो घर वाले आपके इंतज़ार में होंगे, और आप चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स जो है, आपके घर वाले हैं, वो आप उनको कश्मीर में आना यहाँ पे देखना चाहते हैं। वो वैसे भी मेरे फ़ोटोज़ देख के ऑलरेडी वो रेडी है नेक्स्ट टाइम, अभी विंटर टाइम पे या कभी भी, क्योंकि 12 महीने कश्मीर हर तरह से खूबसूरत है, तो वो ऑलरेडी आना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं उनके लिए जो लेके जा रही हूँ, एक तो ये सब जो पोशाक हमने पहने हैं, शॉल वॉल, तो खैर साउथ इंडिया में इतनी गर्मी रहती है, लेकिन मैं जो भी हो कश्मीर की, जो हम एप्पल या अक्रोड या फ्रूट्स एंड नट, इतनी अलग टेस्ट इसकी आती है कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि जो हम खाते हैं और यहाँ पे जो है, कितने स्वाद में इतना डिफरेंस है। तो वेर हम कुछ ही कुछ सामान लेके जा सकते हैं उनके लिए, लेकिन उन्हें ज़रूर ले आएंगे, बिकॉज कश्मीर जो यहाँ पे मिलता है उससे कश्मीर नहीं बनी है, जो यहाँ के लोग हैं और जो यहाँ हमें प्यार मिलता उससे बनती है कश्मीर। कश्मीर आके आपको क्या लग रहा है, कश्मीर में किस चीज़ की कमी है, और आपको जो यहाँ पे पसंद आया वो कौन सा चीज़ है? कमी तो मुझे किसी चीज़ की नहीं लगी, और जो हम शहर की ज़िंदगी है उससे इतनी काफ़ी अलग, और इतनी जो हमें शांति मिलती है और सुकून मिलता है यहाँ पे आके, और जो मिला है वो उसके लिए मैं बार बार यहाँ आना चाहूँगी। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के लास्ट के लिए आप अपनी तरफ से कुछ हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहोगे? बिल्कुल, वही हमारा जो एक और फेवरेट सॉन्ग है वो सुनाना चाहूँगी मैं। फजा भी है जवा, हवा भी है रवा, सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सितास्ता, फजा भी है जवा। वाओ, क्या आवाज़ है, क्या मिठास है, क्या खूबसूरती है, और क्या अट्रैक्शन है इस वॉइस में, और यकीनन इसने हमारा भी दिल जीत लिया है ये आवाज़ सुन के हमें। और मैं आप नाज़रीन से यही कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को इसको देख रहे हैं तो ज़रूर आप लाइक और शेयर करिए, ताकि ये इश्फाक कावा तक भी ये मैसेज पूछे, और तमाम जो इनके रिलेटिव्स हैं वहाँ तक ये वीडियो पूछे, और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का एक एक फ़र्द जो है वो इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इसने जो इसमें एक पॉइंट जो है इंक्लूड किया है कि जिस तरह से कश्मीर के लोगों को या कश्मीर को देखा जाता है, जिस जो पिक्चर से देखा जाता है वो रियलिटी नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पर इसने देखा है कि कश्मीर में किस तरह से प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं लोग, और किस तरह से जो लोग हैं बिहेव करते हैं, और उसके साथ साथ कश्मीर की खूबसूरती जो है, और किस तरह से इसने इसको रिप्रेजेंट किया, और कश्मीरी सॉन्ग में भी इसने यकीनन हमारे इश्फाक कावा का जो कुछ उन्होंने अल्फाज अपने जवानी से गाए, यकीनन दिल को जीत लिया। कुछ और कहना चाहेंगे लास्ट में, क्योंकि इनकी शायद कुछ ख्वाहिश है तो वो भी सुनते हैं, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बिल्कुल, मैं इतनी आपने जगहों के बारे में पूछा, मैं एक ख़ास जगह के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ, और जहाँ पे हम रहे सोनिम, जो कुंजर में है, जो बारामूला में है, और कुंजर का जो पब्लिक पार्क है, मैं बताना चाहती हूँ कि टाउन हॉल वो बेहद खूबसूरत है। बस श्रीनगर, दल लेक, वो सब देखने के बाद यहाँ ज़रूर आए और देखे कुंजर की जो ब्यूटी है, वो भी ज़रूर हर कोई आके एक बार देखे। कुंजर के टाउन हॉल की तारीफ़ें कर रही है, और ये कह रही है कि कुंजर में साफ़ सुथरा जो उसने माहौल देखा वहाँ का, और वो खूबसूरत पार्क देखी, यकीनन इसने शायद इसने ये ठान लिया है कि मैं ज़रूर इस पॉइंट को इंक्लूड करूँ, तो इसने करके ही दिया। और किसी और स्टोरी पे मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।